जी व्यूअर्स, आज हम कोई और बात नहीं करेंगे, स्पेशल हम ख्वाजा ज़हीरुद्दीन की शख्सियत पे बात करेंगे, उनकी बायोग्राफी पे बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं ट्रेल 5 के 2.3 किलोमीटर पर, ये कुछ पानी की जोहड़ बना हुआ यहाँ पे। ख्वाजा साहब से आज स्पेशल टॉक होगी इनकी। एक तो है कि ख्वाजा साहब, एक तो बताइए आपकी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे नाज़रीन को, सुनने वालों को, ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, बेहद मशहूर हूँ कि आप बहुत प्यार से सुनते हैं, और आई एम थैंकफुल टू इवन रशीद साहब के जो इतने प्यार से एक मज़मून बनाते हैं। जहाँ तक मेरी इब्तदाई ज़िंदगी का ताल्लुक है, मैं लाहौर में पैदा हुआ। मेरे आबाओ अजदाद जो हैं वो मकबूज़ा कश्मीर, जो इस वक्त पिछले 320 दिनों से लॉकअप में है, वहाँ का एक इलाका है बारामूला, श्रीनगर के पास, वहाँ से माइग्रेट किए मेरे दादा दादी, फूफा मामू, खाला खालू, और हम लोग आके लाहौर में आबाद हुए। तो मैं लाहौर में पैदा हुआ। हाँ, मैट्रिक ज़रा बताइए, मैट्रिक तलीम आपकी? हाँ जी। कहाँ से किया? वहाँ पे जो है मैंने शुरू में, हमारे वहाँ पर ये था कि पाकिस्तान में इंग्लिश को फ़रोग देने के लिए मॉडल स्कूल बने, तो गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल के बेसिस पर जूनियर मॉडल स्कूल सिस्टम हमारी गवर्नमेंट ने वन यूनिट होता था दिया, तो मैंने अपनी प्राइमरी तालीम जूनियर मॉडल स्कूल से की, जिसके अंदर जो है इंग्लिश जो है वो बेसिक पहली क्लास से पढ़ाई जाती थी। फिज़िकल एजुकेशन पे भी बड़ा उसके अंदर था, उसके साथ साथ हमें वो पीटी वगैरह कराते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो एक ऐसा ज़माना था कि हुनर भी सिखाते थे। हम चूँकि को एजुकेशन थे तो हमें निटिंग भी सिखाई गई, हमें वो सिलाई कढ़ाई भी सिखाई गई, और हमें तुरपाइयाँ करनी भी सिखाई गई। अच्छा, अब भाई साहब बताइए अपना जो अपना ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी लेवल का बताइए थोड़ा सा। इस तरह से है कि जी मैंने जैसे आँख खोली तो मेरे वाले साहब जो थे, हम एक ऐसे एरिया में रहते थे जो पाकिस्तान बनने के बाद फौरन डेवलप की थी, बिल्कुल मॉडर्न कॉलोनी की तरह, जैसे ये इस्लामाबाद के लोग हैं वो ये जान सकेंगे कि वो बिल्कुल ग्रेडेड किस्म की जगह बनी। ग्रिड सिस्टम के लिहाज से उस जगह का नाम शादबाग था। तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ के ऊपर नेचुरल लाइफ थी। तो मैं अपने वाले साहब के साथ उनकी नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हाइकिंग के लिए जाता था, और वो ज़माना होता था कि हम जाके किक्कर से टहनियाँ तोड़ते थे और काटते थे और उसकी मसवाक करते थे। तो इस तरह से मॉर्निंग वॉक और सुबह की एक्सरसाइज मुझे मेरे वाले साहब ने जो है वो सिखाया। अजय साहब ये बताइए, आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया, किस सन में किया, और सबसे पहले कौन सी जॉब की या बिजनेस किया? मैंने जब पढ़ रहा था तो BSc, मेरे से बड़े भाई डॉक्टर थे और मेरे और उनके जहन में था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा। तो बहरहाल चूँकि मैं पढ़ाई में कोई बहुत, मैं इंटेलिजेंट तो था लेकिन इंडस्ट्रियस नहीं था, मेहनती नहीं था, तो मैंने BSc किया। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैंने इंजीनियरिंग में नहीं जाना है। तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उस वक्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वगैरह पढ़ाते थे, तो मैंने वहाँ से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू किया। उस वक्त असेंबलर और कोबॉल होती थी, वो हमने पढ़ी। उसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होते थे फोर्ट्रान के। तो इस तरह से मैंने फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ उस वक्त 1975 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग, उस वक्त उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते थे और कंप्यूटेशन कहते थे कि कंप्यूट करना, हाउ टू कंप्यूट योर प्रोसेस ऑफ योर डेटा। तो अच्छा, आप बताइए कि आपकी जो घरेलू लाइफ थी, मसलन शादी, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे सुनने वालों को। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। शादी मेरी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पूरी कोशिश की लव मैरिज करने की, लेकिन लेटर ऑन जो मेरी कह लीजिए बिलवर्ड थी, उसके जो पेरेंट्स हैं, फिर उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो पठान थे तो उन्होंने कहा कि हमने पठानों में ही करना है। तो बहरहाल मैंने अपना हक अदा किया, अपनी माँ को, अपनी बहन को जो मुझसे बड़ी थी भेजा। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि भाई ये अपनी मर्जियाँ छोड़ो और ये सिर्फ जो माँ बाप कहें वही करो। तो फिर मेरी शादी ऐसी जगह पर हुई कि मैंने लड़की को कहा कि मुझे देखना भी नहीं। अच्छा, अब ख्वाजा साहब बताइए अपना जो
साइकिलिंग का पैशन या हाइकिंग का पैशन, ये कब स्टार्ट हुआ आपकी ज़िंदगी में, कब आया ये मोमेंट? जो है मेरे वाले साहब थी, मैंने जो वॉक है उस वक़्त वॉक कहा जाता था, हाइकिंग वॉक ये करना शुरू किया और उसके साथ साथ साइकिलिंग। मेरे वालिद गवर्नमेंट के मुलाजिम थे वहाँ पे, तो वो अपनी साइकिल पे जाते थे और वो कोई 5-6 किलोमीटर होगी हमारे घर से जगह, तो मैं भी उनके साथ शौक़ से साइकिल चलाता था। फिर जब मैंने 8th grade पास किया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी साइकिल ले दें, मैं घर में सबसे छोटा बच्चा था यानी अपने बहन भाइयों में, तो बस उन्होंने मुझे साइकिल ले दी और बस मैं साइकिलिंग पे सारे काम करता था, घर के काम भी करता था और जाकर बैडमिंटन खेलने जाता था, स्विमिंग करने जाता था, स्क्वाश खेलता था। तो इस तरह से मेरी साइकिलिंग और इसका आगाज़ हुआ। और जब मैं BSc में पढ़ रहा था अपने कॉलेज में, तो फिर मैं अपनी हाइकिंग माउंटेनियरिंग टीम का कैप्टन भी बन गया, इसी वजह से कि मेरे अंदर टूरिज़्म का भी शौक़ था। मैं अपनी क्लास के लोगों को लेके फ़र्स्ट टाइम 1966 में कागान वैली चला गया, उस वक्त मेरी कुल उम्र 16 साल थी। फिर 1969 में मैं जो हूँ चित्राल और काफ्रिस्तान चला गया, जिसको लोग आज कल जाके देखते हैं। अजय साहब, ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत ही तरह से नवाजा। पहले शुरू में अपने मुल्क के तमाम जगह देखी, गिलगित, चित्राल, हुंजा, काफ्रिस्तान, नीलम वैली, कश्मीर अपने शौक़ से, और उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया तो मैं मुल्क से बाहर मुलाजिम हो गया, पहले सऊदी अरब में और फिर USA में। तो इस तरह से मैंने अपने टूरिज़्म को और अपनी ट्रैवलिंग को जारी रखा और इस तरह से मुल्क 30-40 मुल्क देखे। और अल्लाह ने जो बहुत करम किया वो ये था कि एक सेहतमंद ज़िंदगी थ्रू आउट दी, जो आज भी आपके सामने है, इसके लिए मैं अल्लाह ताला का बेहद मशहूर हूँ। कोई पछतावा ज़िंदगी में उसका तो ये कहता बताएं कि हाँ जी, जो रह गया हो आपकी ज़िंदगी में पछतावे की बात करना चाहते हैं? पछतावा की बात कह लें या ये कह लें कि इंसान लर्न अपने लेसन सीखता है। मैंने लेसन ये सीखा कि हमें अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स वो जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी चाहिए, और लोगों को परखने में मुझसे कमी हुई। मैं बहुत ही अपनी जो मेरा कहते हैं, वैसे मैं उस पर तो इत्माद नहीं करता, मैं कैंसर मेरा स्टार है, तो वो बहुत ही सिंसियर लोग होते हैं जिससे मिले उससे सिंसियरिटी से। तो ऐसा है कि लोग जो हैं वो अनग्रेटफुल हैं, और इसलिए गलती उसमें हमारी ये है कि हम उन्हें उस तरह की मारात ना दें जिसके बाद हमें उनसे अफसोस हो। तो पछतावा ये है कि बहुत जल्दी समझ आ जानी चाहिए थी, अब जाके समझ आई है। तो इंशाल्लाह ये है कि हम लोगों को अच्छी तरह से डील करें, उनसे प्यार करें, लेकिन इतनी मारात ना दें कि बाद में आपको जो है उनसे तकलीफ़ पहुँचे। अजय साहब, आखिरी सवाल पूछते हैं कि आपने ख़ासतौर पर साइकिलिंग के हवाले से फीमेल एम्पावरमेंट को, सोशलाइजेशन को बड़ा बढ़ाया, इस्लामाबाद के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी, दूसरे इलाकों में भी, आप खुंजरा तक भी गए हैं, साइकिल किया है, चाइना बॉर्डर भी आपने देखा है, तो इसके बारे में बताएंगे जिस तरह फीमेल एम्पावरमेंट के हवाले से, साइकिल के हवाले से, स्पोर्ट के हवाले से? स्पोर्ट्स के हवाले में इस तरह से हुआ कि मैं पहले जब मुल्क में आया हूँ वापस, तो यहाँ पर हमने कैरियर काउंसलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप काउंसलिंग जो स्टूडेंट्स में नस्ट बेस्ड स्टूडेंट्स के साथ शुरू की, तो उसी में फिर उन्हें हमने देखा कि लोगों के अंदर चापलूसी का बड़ा रुझान है और उनकी ज़ाती सेल्फ इस्टीम नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को एड्रेस हमने कैरियर काउंसलिंग एज वेल एज़ इंटरवेंशन विद साइकिलिंग, कि जब आप फिज़िकली मिलते हैं और फिज़िकली हेल्दी होते हैं तो आप मेंटली हेल्दी होते हैं, तो जो लोग मेंटली हेल्दी होते हैं वो जो हैं सोशली भी हेल्दी हैं और उनकी सेल्फ इस्टीम भी है। तो हमने यही इसको अपनाया और इसमें फिर फीमेल्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो फिर हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला। हमारी कुछ अच्छी साथियों ने उसका एक बड़ा खूबसूरत सामने उसे नाम दिया शीरोज़ जो है वो पैरेलल वर्ड टू है हीरो। तो हमारी जो क्लब है उसको हमने अर्ली बर्ड राइडर का नाम दिया और अपनी फीमेल स्क्वाड को, हमारी गर्ल स्क्वाड को हमने EBR शीरोज़ का नाम दिया। अभी कितने मेंबर हैं इसके आपके EBR में, फीमेल मेल? अच्छा, टोटल मिला के इस वक्त हमारे 2000 से ज़्यादा, हम एक ग्रुप हैं, हमने वो पेज नहीं बनाया, पेज में हर कोई आ जाता है, तो हमारे ग्रुप में वो आता है जो जिसको हम पहले से देख लेते हैं कि वो साइकिलिंग, हाइकिंग, कैंपिंग, आउटडोर, विल्डरनेस से उसका ताल्लुक़ है। और इसमें तकरीबन इस वक्त तक हम 175 और 180 के दरमियान गर्ल्स और फीमेल्स को साइकिलिंग जो है वो सिखा चुके हैं।
और ये एक वाहिद इदारा है EBR अर्ली बर्ड राइडर्स और EBR शीरोज़, जो पूरे मुल्क में एक बेहतरीन मेथडोलॉजी से, एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से उन्हें साइकिलिंग, पैडलिंग और उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एंड हाउ दे आर ग्रेट एंड दे कैन हैव देयर ओन टाइम ऑन द रोड्स, ये सब सिखाता है और साइकिल मैकेनिक्स भी सिखाता है। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा ज़ुहरुद्दीन, हमारे साथ थे आज, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमने बात की है। ये बड़ी बात है कि आज हम मरगला के ट्रेल 5 के 2.3 किलोमीटर पर मौजूद हैं, पानी का चश्मा भी है। तो हमारे सुनने वालों को, जानने वालों को और देखने वालों को हम ज़रूर कह रहे हैं कि हमारे ज़माना TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ख्वाजा साहब की जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं या पहलू हैं उसका बगौर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या ज़िंदगी में पाया और क्या सजेशन दी है। नौजवानों के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। 72 ईयर्स ओल्ड हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ख्वाजा साहब का बेहतरीन हेल्थ है। अभी भी इनका इंडोरेंस चेक करना या स्टेमिना चेक करना हो तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यंग लोग भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब, ये सब तेरा करम है मौला की बात अब तक बनी हुई है। जज़ाकअल्लाह। थैंक यू ख्वाजा साहब।